4:30 in the morning, the day has already begun for these girls. इस महाविद्यालय को स्थापना करने के पीछे हमारा उद्देश्य विशेष रूप से जो हमारा महिला जगत है, जो आज समाज में उस महिलाओं की स्थिति बहुत नारकीय स्थिति उनकी बनती जा रही है, और उनको पौरोहित्य कार्य से, वेद पढ़ने से, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने से, ओम का उच्चारण करने में और जनेऊ पहनने में, इन सब में इनको वंचित किया गया। लेकिन मेरा उद्देश्य यह है विशेष रूप से कि ये वेद वेदांगों की विदुषी बने, अपने कर्तव्यों को पहचाने। It may not look like it at first glance, but these girls from all over India are part of the process of what could be called religious subversion. We're at the Parini Kanya Mahavidyalaya in the heart of Banaras. The girls join the school between the ages of 8 to 11. Many of them will continue to live here for the next 12 to 13 years of their lives. Here they'll become scholars in Sanskrit, Vedic texts, and they'll also be given training in becoming women priests. In doing so, the school challenges the prevailing view, the male-dominant prevailing view, that much of this is not allowed for women in Hinduism. This will not be an easy report. Our contemporary liberal discourse is suspicious of movements that are located in religion. In the case of the Panini school, the Hindu Arya Samaji tradition. ये जितने भी देव हैं, सूर्य, चंद्र, वायु, जल इत्यादि देव हैं, ये हमें निरंतर दे रहे हैं, इसलिए ये देव हैं। इनको हम क्या देंगे? इनको हम देंगे शुद्ध वायु, शुद्ध जल। उस वायु जल को शुद्ध करने का एक ही उपाय है कि हम अग्निहोत्र करें, देव यज्ञ करें। प्रतिदिन प्रत्येक कन्या का ये कर्तव्य है, वो बिना किए हुए, बिना संध्योपासना किए हुए, बिना यज्ञ किए हुए वो अन्न नहीं ग्रहण कर सकती, भोजन नहीं प्राप्त कर सकती। आकृति मध्य प्रदेश शहडोल। शहडोल की आप? विजयत्री बक्सर। स्वर्णा बिहार बक्सर। सुप्रिया नेपाल वीरगंज। श्वेता नेपाल वीरगंज। सहिता है आंध्र प्रदेश हैदराबाद। वेदश्री आंध्र प्रदेश हैदराबाद। पावनी है आंध्र प्रदेश हैदराबाद। श्रुति बनारस संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय। अर्चना आंध्र प्रदेश हैदराबाद। तो साउथ से सब आंध्र प्रदेश की। आप जब सबसे पहले आप यहाँ आए तो आप तेलुगु बोलती थी, किस तरह से आपने बातचीत की लोगों के साथ? जी यहाँ पर बड़ी बड़ी बहनें रहती हैं, उनसे सीधा पड़ा हूँ हिंदी में, वो तेलुगु में भी बोलती, हिंदी को भी समझाती, दोनों भाषाओं को समझाती, जिससे कि धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा है। फिर सभी लड़कियां जब उसी, सभी बहनें हिंदी बोलने वाली, हिंदी भाषा भाषी हैं, तो थोड़ा थोड़ा आ गया। The school was founded by two sisters from Madhya Pradesh. Pragya Devi, who is now no more, and her sister Medha Devi, the current head, were passionate about Sanskrit and the Vedic texts. In their interpretation of the texts, there was no area which was closed to women. In their residential school, most of the girls will graduate with a recognized master's degree in Sanskrit. Upadhyayasya sthane shishya ityuchyate, hai na? Nacha tatra upadhyaya bhutapurvo vibhavati. मैं इस समय पढ़ा रही हूँ, ये जो संस्कृत भाषा है उसका एक व्याकरण है, जैसे अंग्रेजी भाषा में, अन्य भाषाओं में भी ग्रामर चलते हैं, तो इस व्याकरण को महर्षि पाणिनि ने क्या किया कि 4000 लगभग सूत्रों में एकत्रित कर दिया। लेकिन ये बताइए कि अभी जो संस्कृत स्कूलों में सिखाई जा रही है, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम नजर आती है? क्या आपको उसमें प्रॉब्लम ये नजर आती है कि उसको एक रट्टू भाषा बना दिया गया। उसमें ये नहीं बताते कि हम सह के साथ पठति क्यों लगाते हैं और तव के साथ हम पठतः क्यों लगाते हैं, किंतु उसका एक कारण होता है। हम लोग प्रारंभ में ही बता देते हैं कि तीन कान होते हैं, तीन पुरुष होते हैं, तीन वचन होते हैं। जब इस प्रकार से हम उन्हें समझा देते हैं व्याकरण के हिसाब से,
तो वो बात बालक के मन में हमेशा के लिए जम जाती है। समानो मंत्रस्वमिति समानि समानं मनसः चित्तमे। These mantras are part of a namkaran or naming ceremony, ordinarily not taught to women. ये दक्षिणात्य शैली में वेद पाठ घन पाठ प्रस्तुत कर रही थी, जिसको कि अपने पंडित लोग ब्राह्मण लोग समझते हैं कि मेरी ही बपौती है, हम ही कर सकते हैं इसको घन पाठ जटा पाठ को। तो ये काशी के पंडितों की दक्षिणात्य पंडितों की परंपरा के अनुसार ये वेद पाठ घन पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया इन्होंने। नमस्कार करे गंगा माई के सुर हो अंते। नमस्ते। कि बताइए महिलाएं श्राद्ध करती है कि नहीं? लेडीज नहीं कराती, ब्राह्मणी कोई लेडीज ऐसी नहीं है जो श्राद्ध वगैरह करा पाएंगी, ये जेंट्स ही कराते हैं, हम लोग ब्राह्मण ही उसको कराएंगे। यानी ब्राह्मण पुरुष जो एक पंडित होता है वही करवाता है? वही करवाता है, महिला नहीं करवाती? नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा नियम है, आचार्य ब्राह्मण जो है वही करा सकते हैं, ये सबको वेद का ज्ञान नहीं है, औरतों को लेडीज को वेद का ज्ञान नहीं है। मतलब अगर किसी महिला को वेद का ज्ञान हो तब उसको अधिकारी नहीं होती, अधिकार ब्राह्मण को मिलता है पुरुष को। ये कौन निर्णय लेता है कि पुरुष ही कर सकता है? ये वेद पुराण निर्णय लेता है, अगर पुराण में कहीं ऐसा नहीं है। It's these views which have united the very influential Pandit community of Banaras against the Panini school. The Pandit community even has a name for one of the school's prominent teachers, Surya Devi. They call her Visphoti or the explosive one. आज से 34 वर्ष पहले बनारस में कोई ऐसा शिक्षण संस्थान नहीं था कि जहाँ पर बालिकाएं कुछ एकदम अपने शक्ति पर आधारित होकर के समाज में उतर आवे, कर्मकांड करें, या जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं बहुत तरह की हैं तो महिलाएं नहीं जान पाती हैं। महिलाएं घरों में रहती हैं तो उनको बहका करके कुछ भी पंडित करवाते रहते हैं, तो उन तमाम बातों को सुनने समझने के लिए अब महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, तो ये चीज जागरूकता उनको पसंद नहीं आ रही थोड़ी सी, क्योंकि ये तो काशी है, यहाँ तो ये तो पंडितों का गढ़ है। हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं आप, गढ़ है। वो ये कहते हैं कि नारियों के पढ़ने से क्या होगा, तो उनको स्त्रियों को तकलीफ होगी, उनको बीमारी आ जाएगी, और भी अधिकार नहीं है, पाप लगेगा, सबसे बड़ा है पाप लगेगा। मैंने पाप का अर्थ भी लोग नहीं समझते कि पाप तो मैंने पाप माने पालनी जो भी आचरण है, और अप माने दूर होना, पालनी आचरणों से दूर होने का नाम होता है पाप, और पालनी चीजों से हमें वो वैसे ही वंचित कर रहे हैं, तो पाप हम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो पाप करवाते हैं हमें जानबूझ करके कि हम यज्ञ नहीं करें, इस प्रकार का नहीं करें। क्या अभी आप बात सिखा रही थी? राग भैरवी में भजन था और बहुत प्यारा राग है, हर समय गाया जाता है। और यहाँ संगीत कक्षा महाविद्यालय में सबको संगीत सिखाया जाता है? कंठ संगीत एक ऐसा विषय है कि जिसमें कंठ का विशेष माधुर्य हो, जिसमें या अपनी रुचि भी हो, ये कला है, तो हर कला में सबकी रुचि नहीं होती है। आपका क्या नाम है? महिमा। कहाँ की आप? मैं फैजाबाद। और आपने तबला कहाँ सीखा? मैंने भी यही रहकर सीखा। अब जैसे तबला इसको सिखाया है बच्ची को, तो हमने कुछ दिनों के लिए एक अध्यापक को बुलाया था, और यहाँ पर जैसे बताया गया कि अग्र शिष्य कक्षा प्रणाली, माने जो सीख चुकी है ऊंची कक्षा की, वो छोटी कक्षा को पढ़ाएगी, तो इसने परंपरा से सीखा हुआ है। और ये सिर्फ संगीत में नहीं, लेकिन पूरे विद्यालय की कोई भी विषय हो, व्याकरण, हर विषय में जो ऊंची कक्षा की है वो छोटी कक्षा को पढ़ाएगी, उसके साथ साथ उसका जो पिछला पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाता है। ये मोदक है। अच्छा मोदक? हाँ, इसका संस्कृत नाम मोदक है, मोदकम। तो मोदक हम इसलिए कहते हैं कि मोदम ददाति इति मोदकः।
जो मोद अर्थात प्रमोद प्रसन्नता को जो देता है। जब कहते हैं ना कि अब आप मैं आपको लड्डू खिलाऊंगी, आप लोग घर जाते हैं क्या? कभी 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 शुरू में नियम नहीं है, शुरू में आते हैं तो फिर यहाँ पर मन नहीं लगता है तो फिर घर की याद आती है, इसलिए शुरू में तो बिल्कुल मना रहता है, चाहे फोन करना चाहे पत्र विवाह सब मना रहता है। उसके बाद हर साल मिल सकते हैं? नहीं नहीं, हर साल नहीं मिलते, दो तीन वर्ष पे जाती है। कुछ बहनें तो पूरी पूरी पढ़ाई कर लेती हैं उसके बाद जाती हैं, इनका तो होता है। आप 10 साल से घर नहीं गई हैं? याद नहीं आती आपको? यहाँ पढ़ाई होती है कि याद करने का समय ही नहीं मिलता है कि माता पिता जी लोगों को याद करें। शुरू में तो थोड़ी कठिनाई लगी, बाद में तो सामान्य सी है। और जब पत्र आता है तो क्या कहते हैं लोग, परिवार वाले आपको? మంచిగా చదువు, మంచిగా రాయి, మీరే నీ గురించే నేను అంత అవసరం, ఎప్పుడు చదువు గురించి ఆలోచించాలి, ఏదైనా నీకు అవసరం అయితే మాతాజీతోనే చెప్పాలి। संस्कृत जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है आप वो तो संस्कृत केवल सामान्य संस्कृत पढ़ाई जाती है, लेकिन संस्कृत व्याकरण शब्द कैसे निर्माण हुए, शब्द कैसे बनते हैं, वो व्याकरण के रूप में यहाँ पढ़ाया जाता है। इससे अंत्याक्षरी भी करती हैं लोग। जिस प्रकार गानों में या मुशायरों में होता है ना, तो जिस शब्द से छूटता है या जिस पद से, तो उसी प्रकार अष्टाध्याय में जिस वर्ण से छूटता है उस वर्ण से अंत्याक्षरी की जाती है। तनक तनथन अश्च चकारेण चेल खेत कटु कांडम गढ़ाया मकारेण प्राण दृष्टि श्वास जावाल भार भारत हैल हिल रौरव प्रवृद्धेशु मूर्धन्य सकारेण द्विर्वचन वरे ये लोप स्वर सवान टोरना मकारेण उचित मंत्रे घस वर्ण शब्द हाथ वृक्ष की गमिज निभ्यो ले लकारेण भाषा तो बहुत आप लोग का काफी तैयारी करके बैठते हैं। नहीं है तो मंच पर आचार्य जी को कहना पड़ता The girls pose a challenge to the male domination of Brahminical practice, but they've also internalized the rigid social codes that go with their religious and social belief. और जो हर लड़कियां इस उम्र में थोड़ा सा श्रृंगार, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, यहाँ पर नहीं बिल्कुल नहीं, कभी मन करता है थोड़ा सा नहीं नहीं श्रृंगार की वस्तुओं को संभालने लगेंगी तो अध्ययन कौन करेगा? फिर शास्त्र ही हमारे श्रृंगार है, हम कहीं पे भी जाएंगे हमारे श्रृंगार कोई नहीं देखेगा, हमारी शिक्षा को देखेगा, हमारी संस्कृति को देखेगा। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा कि दोनों साथ साथ क्यों नहीं जा सकते? मन आपका एकदम आपके कंट्रोल में है तो दोनों साथ साथ। देखिए आजकल के एजुकेशन में ये हो रहा है कि आज हर विषय पढ़ाया जा रहा है क्योंकि सब कुछ आना चाहिए, हर जगह आजकल कॉम्पिटिशन चल रही है, तो लेकिन उससे हो क्या रहा है, नहीं व्यक्ति उधर का रह पा रहा है नहीं इधर। तो हम पहले एक चीज को तो पूरा करें, जो हमारा एक लक्ष्य है, जो एम है, जो स्कोप है अपना, हम पहले उसकी तरफ पहले आगे बढ़े, उसके बाद वो सब तो हर व्यक्ति करता है, तो आपके और हमारी विशेष। As afternoon sets in, we travel to a different part of the city, to the Pishach Mochan Ghat. It's a busy time for the pandits here because it's Pitra Paksh, the fortnight of ancestor worship. The families of those who have had untimely deaths come here to seek assistance to help exorcise the spirits of their relatives so that the soul is set free. The women of Panini Mahavidyalaya have attacked such ritualism. In fact, Surya Devi has written a series of explosive articles taking on the Shankaracharya of Puri on the question of sati. ये निकला था 5 अक्टूबर 1987 के दैनिक जागरण पत्र में तथा आज अखबार में 7 अक्टूबर 1987 में ये शीर्षक था उसका लेखन का कि सती धर्म पर कुठाराघात का सरकार पर पूरी शंकराचार्य का आरोप एवं फांसी के तख्ते पर लटक कर भी सती धर्म का समर्थन करूंगा। सती धर्म पर सरकार का हस्तक्षेप करना भारतीय संस्कृति को नष्ट कर भ्रूण हत्या तथा गर्भपात को प्रश्रय देना है एवं विधवाओं की भीड़ खड़ी करना है, अतः सती प्रथा देश में बरकरार रखनी चाहिए। ये वाक्य उसमें मैंने पढ़े तो बहुत ही मुझे दुख और क्लेश और आक्रोश भी कि मैंने इसका उत्तर देना चाहिए, तो मैंने मंत्र दिया उनको, कहा भी ईमानदारी रवि धवाह सुपत्नी रंजने न सर्पिषा संविशंतु अनष्टवो अनमीवा सुरत्ना आरोहंतु जनयो योनि मग्रे। इसका मतलब यही है कि नारियां जो है
यहाँ पर अब जिनका पति नहीं रहा है और आवश्यकता हो ऐसी विवाह किया जा सकता है, सिर्फ अगर आवश्यकता हो तो, या अगर मर्जी हो तो भी। हाँ, मर्जी हो तो भी। आपने राजनीति से दूर रहे हैं आप। यहाँ पर आरएसएस के लोग हैं, संगठन के लोग हैं। जिस वक्त सती प्रथा का वो हुआ था उसमें मेरे पास आए थे कि आप हमारे संघ में आइए और हमारी मंच से कहिए, इस बात को मंच से कहिए। मैंने कहा नहीं, आपके मंच से मैं नहीं कहूंगी, मैं अपने विद्यालय से ही कहूंगी और स्वतंत्र होकर के कहूंगी। ये तो कहते हैं कि मंदिर बनाओ, हिंदू नाम तो लेते हैं लेकिन हिंदू धर्म में अपनी संस्कृति कितनी गहन है इस चीज का उनके पास ज्ञान ही नहीं है। राजनीति ही है, लोगों को उभारते रहते हैं, करते रहते हैं इस प्रकार का। But the rigid puritanical approach of the Panini women, while valid at times, at other times undermines the pluralism of Hindu tradition. Theological debates apart, what is distinct is the slow popularity of the Panini women. Invitations come almost every week asking them to perform various priestly rites. एक के बाद एक करके पांच कार्यक्रम आ गए सुबह सुबह, तो इसलिए आज मुझे उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ी। किस तरह के कार्यक्रम है? ये यज्ञ के ही हैं कार्यक्रम। कोई अपना जन्मदिन मना रहे हैं अपने पोते का, और एक जगतगंज में है यज्ञ, वहाँ पर भी वो जैसे वर्षी मनाते हैं तो उसमें वो यज्ञ करवाएंगी। मृत्यु के वक्त जो कर्म होते हैं जी, और श्राद्ध के वक्त होते हैं, वो भी आप लोग कर सकती हैं? फिर वही बात आती है, वही पौरोहित्य की। तो जब गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि पर्यंत 16 संस्कार नर हो या नारी हो करा सकते हैं, तो वो अंत्येष्टि संस्कार भी उसी के अंतर्गत आ गया। श्राद्ध की व्याख्या मैंने बताई दी थी कि जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए उसका नाम श्राद्ध है। फिर से एक दो तीन चार पाँच छह। आप लोग खा रहे हैं फिर इसे? तभी आप लोग इतने विद्वान हैं, विद्वती हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम पता करें। पीपल का फल। For many of the girls, this is clearly the best part of their day. एक दो। मजा आता है आप लोगों को इसमें? हाँ, हम लोगों को बहुत मजा आता है और आत्मविश्वास अपने अंदर महसूस होता है इसका। जब प्रारंभ में सीखते थे सीखने में चोट आ जाती थी, बहुत बार लगती है, पर जब अभ्यस्त हो गए तो। कठिन क्या है इनमें से? लाठी सबसे ज्यादा कठिन है। लाठी भारी है, सबसे सरल है। और चोट सबसे ज्यादा किससे लगती है? तलवार से भी लगती है। तलवार से लाठी से? हाथ कटा है। मुंह भी कटा है थोड़ा। जस्ट बिफोर नाइटफॉल, four girls are initiated into the janeyu or sacred thread ceremony, otherwise the most important rite of passage for Brahmin boys. देखो बच्चों, इस यज्ञोपवीत में तीन धागे हैं। ये तीन ऋणों का प्रतीक है, ऋषि ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण। और इन तीनों ऋणों को याद करने के लिए हमें इस यज्ञोपवीत को पहनना बहुत आवश्यक है। यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनयामि। ये तुम्हारा संस्कार, उपनयन संस्कार तुम्हारा हुआ। 8 वर्ष से 11 वर्ष तक की कन्याएं मेरे यहाँ प्रविष्ट होती हैं और तभी हम उनका यज्ञोपवीत संस्कार करके उनको वेद का आरंभ करने का हम उनको अधिकार देते हैं। तब तक अधिकार नहीं उनको मिल सकता जब तक ये यज्ञोपवीत धारण न करें। मैं तो यही कहूंगी कि मनुष्य मात्र को पहनने का अधिकार है, क्योंकि नर और नारी समान रूप से परमात्मा के बनाई हुई रचना है, तो नारी क्यों वंचित रहे? और इनको यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार क्यों नहीं दिया जाता है? इनसे ही हम पूछते हैं कि क्यों नहीं दिया जाता? इसीलिए कि ये अशुद्ध होती हैं और ये संभाल नहीं सकती हैं। तो जब जनेऊ कान पर चढ़ा करके और मलमूत्र त्याग करते समय पुरुषों का यज्ञोपवीत शुद्ध हो सकता है, तो रजस्वला स्त्रियों का यज्ञोपवीत शुद्ध नहीं हो सकता जरा सी साबुन लगा करके? और ये शुद्धता मेरी आचरण की शुद्धता है, आत्मा की शुद्धता है। बाहर की शुद्धता तो बहुत जल्दी दूर हो, अशुद्धता दूर हो सकती है। आपका नाम? सृष्टि आर्या। सृष्टि आर्या। विजेत्री आर्या। श्वेता आर्या। अभी हम लोग जब बात कर रहे थे बच्चों से उनका नाम पूछा, तो
सबने अपना लास्ट नेम जो हम लास्ट नेम कहते हैं वो आर्य बताया। आपसे आज बात करे थे, आपने कहा था चतुर्वेदा। हाँ जी, चतुर्वेदा मतलब आप चतुर्वेदी जात के हैं या नहीं? ऐसा बात है, ऐसी बात है, जो भी ये हमारी चतुर्वेदी है, द्विवेदी है, त्रिवेदी है, ये सभी जो आज लोक में जानते हैं, जिसको दुबे हो गया, जो त्रिपाठी हो गया, ये सब शुक्ला हो गए, ये जो नाम है वेदों के ज्ञान के आधार पर ही। किसी ने माने शुक्ल यजुर्वेद पढ़ा हुआ तो वो शुक्ला हो गया, किसी ने दो वेद पढ़े वो दुबे हो गए, और जिन्होंने तीन वेद पढ़े वो त्रिपाठी हो गए और तिवारी हो गए, बिगाड़ दिया शब्द। इसी प्रकार से चतुरान वेदान अधीते वेदवा इति चतुर्वेदः चतुर्वेदावः, चार वेदों को पढ़ने पढ़ाने वाले को ही कहा जाते हैं। ये जातिवाचक शब्द नहीं है, इसका तात्पर्य होगा कि ये अध्ययन अध्यापन के कारण से ही ये ब्राह्मण बनता है, पढ़ने वाला बनता है, इसलिए क्योंकि आज के जमाने में चतुर्वेदी दुबे ये जातिगत माने जाते हैं, तो ये उनकी मूर्खता कही जा सकती है जो प्रयोग करते हैं। कदापि कदापि तो भवती नहीं ना पाचिका भवती है कि मैं भवती। ये बात अच्छा है ना, आप कभी भी ये चाहो कि कोई और आपकी भाषा नहीं समझे, कुछ बताना पड़ता हो। लड़कियाँ बहुत करती हैं, फिर बहुत मजा भी लेते हैं हम लोग, सामने सामने बात कर रहे हैं और उसको समझ नहीं आ रहा, खूब मजा लेते हैं, हंसते हैं, उसको पता नहीं पड़ता है। भवत्याः यात्रा, भवत्याः यात्रा अति मंगला भवतु, अति मंगला भवतु। आपको याद हुआ? याद पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, रिकॉर्ड हो गया। अच्छा ठीक है, हम जाते हैं। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद।